नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानियास्तो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ पाठों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि डिफरेंट ग्रहों की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा का रिजल्ट कैसे होता है, तो अभी जो हमारा वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है कि मंगल की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की जो अंतरदशा आती है वो कैसी जाती है। पहले मंगल में मंगल पढ़ाया था, फिर मंगल में राहु लास्ट वीडियो में हुआ। आज हम पढ़ेंगे मंगल में गुरु की दशा को, अंतरदशा को, मंगल की महादशा हो और गुरु की अंतरदशा किसी की हो तो किस तरह के फल मिलते हैं या किस तरह से परीक्षण करनी चाहिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पहुंचते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। गुरु की अंतरदशा के फल बृहत पाराशर पुरा शास्त्र में ऋषि पाराशर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। वो कहते हैं, कुछ स्या अंतर्गते जीवे त्रिकोणे केंद्र पीवा लाभे व धन संयुक्ते तुंगांशे स्वांश गे अपीवा। कुछ स्या अंतर्गते जीवे, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मंगल की महादशा में, कुछ बोलते हैं मंगल, मंगल की महादशा में जीवे, जीवे बोलते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति की दशा हो और बृहस्पति यानी मंगल में महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा हो और बृहस्पति आपका त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में हो। दूसरा, तुंगांशे स्वांश गे अपि वा, यानी कि स्व राशिस्थ हो और स्व नवांश में हो तो क्या होगा। तो ऐसी दशा में, इस तरह की गुरु की अंतरदशा में सत कीर्ति राज सम्मानम, यानी कीर्ति मिलती है, इंसान का यश फैलता है, राज सम्मान मिलता है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है, आपके ऑफिस में जहां भी आप काम करते हैं वहां से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, प्रमोशन मिलता है, धन धन्यादि वृद्धि करते हैं, धन और धान्य यानी धन और धान की वृद्धि होती है, खाने पीने की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, ग्रहे कल्याण संपत्ति दार पुत्रादि लाभ करते हैं, घर मिलता है, कल्याण होता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है और संतान का भी सुख प्राप्त होता है। ऐसे बृहस्पति की अंतरदशा में जब बृहस्पति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में हो, स्व राशि में हो या स्व नवांश में स्थित हो, तो मंगल की महादशा के अंतर्गत बृहस्पति की अंतरदशा में जातक को सुयश राज सम्मान धन धान्य की वृद्धि घर में कल्याण एवं ऐश्वर्य विवाह एवं संतानोत्पत्ति जैसे सुफल प्राप्त होते। इसके बाद आता है, वो कहते हैं ऋषि पाराशर जी ने साफ साफ कहा है कि दायशा का केंद्र राशि थे त्रिकोणे लाभ गे अपीवा। यदि बृहस्पति दायशात केंद्र राशि थे त्रिकोणे लाभ गे अपीवा भाग्य कर्माधिपैर युक्ते वाहनाधिपि संयुते। इस श्लोक का क्या मतलब है? इस श्लोक का मतलब है कि यदि बृहस्पति महादशा स्वामी से त्रिकोणे लाभ और केंद्र में हो, केंद्र त्रिकोण अथवा लाभ भाव में स्थित हो, बृहस्पति महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में स्थित हो तथा भाग्य कर्माधि पैर युक्ते, यानी नवमेश और दशमेश, भाग्य भाव हो गया और कर्म भाव हो गया हमारा दशमेश, और दशमेश के साथ हो वाहनाधिपति संयुक्त। वाहनाधिपति यानी वाहन आदि का पति कौन होता है? वो होता है चौथा भाव, क्योंकि चौथे भाव से हम लोग वाहन को देखते हैं, तो वाहनाधिपति। यानी कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति महादशा स्वामी से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में स्थित हो तथा नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश या लग्नेश, लग्नाधिपति समायुक्ते शुभांशे शुभ वर्गे, लग्नेश से शुभ युक्त हो और शुभांशे यानी शुभ अंश में हो, शुभ वर्ग में हो तो क्या होता है। ग्रह क्षेत्राधि वृद्धिश्चय, ग्रह कल्याण संपद है, ग्रह और क्षेत्र की वृद्धि होती है, ग्रह में कल्याण होता है, संपदा बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, देह रोग्यम महत कीर्ति ग्रह गोकुल संग्रह है, देह के जितने रोग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, गोकुल संग्रह है, गाय जानवर इनकी वृद्धि घर में होती है, चतुष्पाद जीव लाभ है, जितने भी चतुष्पाद जीव हैं उनका लाभ होता है, यानी वाहनों का लाभ होता है, व्हीकल्स का लाभ होता है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, कलत्र पुत्र सौख्यम पुत्र सम्मान मिलता है, पुत्र का साथ मिलता है एवं राज सम्मान मिलता है, वैभव मिलता है। तो कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने इसके अंदर ये लिख दिया है कि बृहस्पति महादशा स्वामी से मंगल से जो भी है जिसकी महादशा चल रही है उससे केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो और साथ में उसके भाग्य भाव का स्वामी बैठा हो या चतुर्थेश बैठा हो या दशमेश बैठा हो या लग्नेश बैठा हो तो ये सारे फल मिलते हैं। क्या होता है ऐसे क्षेत्र में? ग्रह क्षेत्र भूमि की वृद्धि, घर में कल्याण, संपत्ति, आरोग्य, महान यश, पशुओं का संग्रह, चौपायों एवं व्यवसाय से लाभ, पत्नी एवं संतान सुख तथा राजा से सम्मान एवं धन प्राप्त होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। इसके विपरीत उसमें उन्होंने ये भी बताया है, षष्ठा अष्टम वे जीवे नीचे वास्तंगते सती पाप ग्रहेण संयुक्ते दृष्टे व दुर्बले सती चौराहा ही नर्प भीतश्च पितरुगादि संभवम प्रेत बाधा भट्य नाशे सोगराणाम विनाशनम द्वितीय दुन्नाथे तु यह मृत्यु जर अधिकम तदोष परिहारत शिव सहस्त्र के जपे। यानी वो कहते हैं कि यदि बृहस्पति छठे आठवें और बारहवें भाव में स्थित, बृहस्पति यदि छठे आठवें और बारहवें भाव में स्थित हो, अस्थ हो, षष्ठा अष्टम यानी छठा आठवां और व्यय इन तीन भाव में हो, जीवे जीवे मीन्स बृहस्पति नीच राशि में हो और अस्थ हो, तो ऐसी दशा में चोर आहा निप भीतश्च यानी चोर का भय रहता है, राजा का भय रहता है, गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी मिल सकती है, आपकी कंपनी में आपका प्रमोशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, कोई पेनल्टी मिल सकती है, पितरोग आदि संभव पितरोग वगैरह की बाधा भी हो सकते हैं, प्रेत बाधा वृत्तनाश है, प्रेत बाधा हो सकती है, भाई का नाश हो सकता है, सोदराणम विनाशनम द्वितीय दिन नातेतु। तो ये बृहस्पति द्वितीयेश है सप्तमेश, अगर ये कहता है कि द्वितीय दिन नाते, अगर बृहस्पति द्वितीयेश या सप्तमेश हो यानी मारक भाव का स्वामी हो तो उसकी दशा में अप मृत्यु का भय रहता है, ज्वर आदि रोगों से पीड़ा रहती है, तो उसकी शांति हेतु शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेष्ठकर है, तभी ये सब चीजों से शांति प्रदान होती है और छुटकारा प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसमें दिया हुआ है कि बृहस्पति यदि छठे आठवें या बारहवें भाव में स्थित हो, अस्थ हो, पाप ग्रह से युक्त या ग्रस्त हो, बलहीन हो, तो ऐसी दशा में चोर सर्प एवं राजभय रहता है, पितृ संबंधी रोग होते हैं, प्रेत भय रहता है, नौकरों एवं सहोदरों का नाश होता है, और यदि बृहस्पति सेकंड भाव का स्वामी हो या सेवंथ भाव का स्वामी हो तो उसकी दशा में मृत्यु का भय रहता है, ज्वर आदि रोगों से पीड़ा रहती है, और ऐसे में कोई भी दोष का निवारण करने हेतु शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे अच्छा होता है। ऐसा पाठ करेंगे तो बहुत शांति और सुख आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये यहां तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, और हम लोग क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।